आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली में आपके बोर्ड एक्सामिनेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है है आज का हमारा जो टॉपिक वो ये है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें तीन बेसिक डेरिवेशन है एक है आपका ऑन दी एक्सिस आपकी ऑन दी इक्विटोरियल एक्सिस क्या होती है और एट एनी पॉइंट क्या है? होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मुला होता है के क्यू बाई आर यह होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मुला जहां अब आप बोलोगे सर

आज हम किस टॉपिक पे फोड़ने वाले मैं थोड़ा बता देता हूं आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके नीट के परस्पेक्टिव अगर मैं देखूंगा तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज इन पिछले 20 साल के सवालों को देखकर मुझे नहीं लगा कि भाई इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं हाँ इसके फर्दर जो कॉन्सेप्ट होंगे वो इस पर डिपेंडेंट होंगे लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सवाल इससे नहीं आते मुझे व्यूज के लिए नहीं चाहिए वीडियो मुझे बस आपको ऑनेस्टी से बात बतानी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आज का टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए नहीं ठीक है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर मैं देखूंगा तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है ऐसा हमने एक सिमिलर टॉपिक किया हुआ था पिछले चैप्टर में जहां हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपको वो याद हो तो अच्छी बात है ना याद हो तो डरिए मत आज हम जो पहला सेशन पहला जो पार्ट है वो एज मैं हमेशा चीज आपको बेसिक से पढ़ाता हूँ तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक डायपोल रिवाइज करवा कर कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है यार एक चैप्टर हो चुका है, दूसरे चैप्टर में तो इलेक्ट्रिक डायपोल उस चैप्टर का पहला पार्ट था तो याद शायद अचानक से ना आए तो रिवाइज करवाऊंगा मैं आपको और इसी वजह से जो आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट है इसमें तीन बेसिक डेरिवेशन है एक है आपका ऑन एक्सिस ऑफ दोल आपका क्या पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपकी डेरिवेशन exactly तो करेंगे आज. Point, लोग नहीं करवाते हैं चाहे वो यूट्यूब पर हो कहीं और पर हो लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि इसके बेसिस में आपको नीट में भी और हो सकता है कि जेई पर भी आपको हार्ड या डिफिकल्ट सवाल दे दिया जाए आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट सवाल दे दिया जाए मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो

And a positive charge, a combination of two charges of equal and opposite magnitude. A combination of two charges of equal and opposite magnitude separated by a very small distance, separated by a very small distance to L, is what we call an electric dipole. dipole is what is dipole? A equal and opposite charges system. जो एक वेरी स्मॉल सेपरेटेड है जो एल डिस्टेंस है ठीक है थेके? तो ये सेंटर से माइनस से तो दोनों के बीच डायपोल डाइपोल अगर आपको याद हो है ना और यहीं पे डायपोल मोमेंट क्या होता था डायपोल मोमेंट होता था पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन टू कि कोई भी चार्ज उठा लीजिए इन टू दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका बन जाता था डायपोल मोवमेंट अगर आपको याद हो तो है ना और डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता था डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता था आपका डाइपोल का मूवमेंट का डायरेक्शन है कि नहीं याद हो गया आपको ये सब चीजें याद आ गई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसका डायरेक्शन होता है तो ये है चीजें जो आपको याद रखनी थी एक और चीज में बता देता हूं इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था कहां कहां पे Q Q को अगर मैं ऐसे करूंगा, पर मैंने एक पॉइंट नहीं मानी थी और मैंने बोला था कि के पे, dipole, है ना? तो अगर आपको याद हो इसकी वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से पी बायूब है ना के पी बायूब मान लो कि सेंटर से इसका डिस्टेंस है एक्स ठीक है या आर है तो टू के पी मेरे ख्याल से X3 था टू के पी बायूब ये इसकी फॉर्मुला आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना

तो ये भी हमने निकाला था रूट ऑफ यू नो थ्री प्लस ये याद होगा आपको है ना uh, वो भी हमने निकाला था वो फॉर्मूला भी था हमारा है ना तो वैसे ही आज हम निकालेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस एंड एंड एट एट इक्वेटोरियल एनी पॉइंट दैट इज इट गाइस दैट इज वेरी सिंपल ठीक है Actually, it, तो थाके? थाके? समझ में आ गया याद रिवाइज कर तो लिया डाइपोल को अब एक और चीज आपको रिवाइज करनी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है आपको अगर आपको याद हो पिछले सेशन में सीखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जहां पर इस नाइन जो आप हमेशा सभी यूज करते आ रहे हो या तो वन बाई फोर पर चार्ज जिसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो जैसे यहाँ पर मान लो पी है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आर है वो है ये आर चार्ज इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है वो डिस्टेंस आपको आर है ठीक है तो क्यू बाई आर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है

बराबर है अब इनके बीच में डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस भी एल है जैसे अभी हमने सीखा डाइपोल तो अब ऑन दी एक्सिस मतलब यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट निकालना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट निकालना है हमें कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई कुछ भी अब जो भी आप पॉइंट बोलोगे वो आपका हो जाएगा अब सेंटर सेंटर से center से मान लीजिए डिस्टेंस एक्स है पॉइंट पी तक सेंटर से डिस्टेंस एक्स है पॉइंट पी तक बस करते हैं डिराइव करते हैं बहुत सिंपल है डिराइव नहीं आता है करना तो यहां पर ध्यान से देखो कैसे डिराइव करोगे आप यहां पर देखिए दो चार्जेस है एक चार्ज नहीं है अगर एक चार्ज होता तो आप बोल देते वी इज इक्वल टू अगर सिर्फ ये माइनस क्यू चार्ज हो तो आप बोलते हैं माइनस के क्यू अपॉन आप बोलते कि सर ये x है और ये l है

दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस प्लस टू के वजह से जो बस एक्स माइनस एल दूर है P से दो चार्ज जैसे, तो उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल होगी ना भाई जाहिर सी बात करेक्ट तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट क्या है? है VP, so P electric, electric होता है सिंपल है दोनों को एड कर दो ना भाई दोनों को एड कर दो अब आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शायद इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से शायद उस डायरेक्शन में होगा गलत क्यों गलत क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है इस चीज को भी अपने स्टोर कर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसका डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है वो नेगेटिव तब होती है अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज चार्ज का निकाल निकाल रहे रहे हो हो वो पॉजिटिव पॉजिटिव तब होती है जब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए निकाल रहे हो, उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये पी इस साइड भी होता तब भी आप यही करते बी वन और बी टू सेम ही होता उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती ठीक है बात समझ में आ आगे स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन यहाँ पर कोई खेल ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था

बी टू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल होगा हाँ एक्स माइनस एल दिस इज इक्वेशन नंबर टू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट एरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए थ्री एंड टू इन वन ठीक है इस, इसको इसको पहले वाले में डाल दो आप तो बी पी या तो बी नेट कितना आ जाएगा निकील्ड आ जाएगा आपका वी वन कितना है माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल ठीक है बेटा अब आप इसमें से के क्यू कॉमन ले सकते हो है ना इसको मैं अभी यहां पर कंटिन्यू करता हूं आप यहां पर के क्यू को कॉमन ले सकते हो तो क्या आएगा बी नेट इज इक्वल टू के क्यू को कॉमन ले लिया चलो के क्यू कॉमन ले लिया अब बस ये माइनस वाला जो टर्म है मैं सेकंड लिखता हूँ पहले ए प्लस वाला टर्म ले प्लस वाला टर्मिन है तो वन अपॉन एक्स माइनस एल पहले लिख देता हूँ वन अपॉन एक्स माइनस एल और ये जो माइनस वाला टर्म है बाद में लिख देता हूँ ठीक है सेम ही बात है ना समझ गया ना वन प्लस एक्स प्लस एल हो गया ठीक है सिंपल है मैंने माइनस टेन को बाद में लिख दिया दैट्स इट और कुछ नहीं किया मैंने ठीक है चलो अब सो वी नेट विल बी इक्वल टू हाउ मच के क्यू है इसका एलसीएम निकालते हैं तो एक्स निकाल एलसीएम निकालोगे तो आएगा एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल मल्टीप्लाई हो गया बराबर ठीक है अब आगे सो वी नेट विल बी इक्वल टू कितना के क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये एक्स और आ, ये ये कट जाएगा है ना हो जाए तो कट गया ऊपर एक्स और माइनस एक्स कट गया एल और माइनस माइनस प्लस एल हो गया तो यहाँ पर टूएल्व बच जाएगा ऊपर so कितना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही इट हो गया भाई आपका सो वी नेट इज इक्वल टू के क्यू टू एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्स एल जल्दी कैसे बबुआ इतने जल्दी नहीं क्यों नहीं सर इतने जल्दी क्योंकि q इंटू टू क्या होता है मैंने अभी आपको सिखाया q इंटू टूल सर डाइपोल मोमेंट होता है तो डालो ना वहां पे q इंटू टूल डाइपोल मूवमेंट होता है तो सिंस q इंटू क्यू इंटू टूएल इज इक्वल टू पी देर फोर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ओए ओए ओ सारे लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला को नोट डाउन करें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर दीजिए कर दिया सबने सबने कर दिया प्लीज नोट डाउन करिए इस फॉर्मूला को बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लिया सबने

सिंस so, सिंस x इज ग्रेटर 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 देन एल आप एल को इग्नोर मार सकते हो ना इसमें से इस इक्वेशन से एल को इग्नोर मार लेते हो okay. तो वी नेट या तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट एट एक्सिय क्या बनेगा बन जाएगा आपका केपी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये दो फॉर्मूलाज okay. हैं जो आपको नोट डाउन कर रहे हैं जहां पर एल बी है और जहां पर एल के बिना भी है। दो गाइस और ये हो गया आपका पहला डेरिवेशन खत्म बहुत इजी मतलब फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो जाती है इसके बाद मैथमेटिक्स है कुछ है नहीं और मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्वेश्चन दोनों का एलसीएम निकाला क्यू इन को टी लिख दिया इतना ही किया कुछ नहीं किया ठीक है बढ़िया नोट डाउन कर लिया जल्दी से नोट डाउन कर लो लोजे अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ऑन द ियल एक्सेस और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर अब ये क्या है अब इसको ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो अगेन वही केस ठीक है चलो यहां से शुरू करते हैं थोड़ा सा जगह बना के शुरू करते हैं ये आपका माइनस क्यू चार्ज है ये आपका प्लस क्यू चार्ज है ये पॉइंट नंबर वन पर है ये पॉइंट नंबर टू पर है ठीक है इन दोनों के बीच में आपका मिड पॉइंट है, है, है ये डिस्टेंस भी एल है ठीक है अब यहां पर आपका पॉइंट हम ले लेते हैं ठीक है यहां पर आपका पॉइंट ले लेते हैं यहां पर एक, तो यह equatorial action, equatorial axis का मतलब क्या होता है तो है सेक्टर मतलब जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो मैं इस पॉइंट पे यहां पर जो परपेंडिकुलर बाई है उस पे यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P, जो डिस्टेंस कितना है एक्स पे है

यार स का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका एक्स हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका बेस आपका ये एल है तो एल स्क्गोरास थियोरम करेक्ट है कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर कि इसको बेसिक समझाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट इज हाइपटोनस इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्र इज एक्स बेस इज एल तो एच की वैल्यू कितनी होगी so, चलो भाई साहब बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब हमें क्या निकालना है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ऑल्सो इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अब इस पॉइंट पे भी आपके माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो बी वन प्लस यहां पर हो, सेम हो गया सेम फॉर्मला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला फॉर्मुलर तो यहां पर लिखो KQ R. So K, के क्यू बाई आर सो के और वी वन किसकी वजह से वन के वजह से वन पे जो चार्ज है तो माइनस के क्यू

क्यू बाई रूट ऑफ एक्सक्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई रूट ऑफ एक्सक्वा दोनों सेम टर्म्स है इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो नोट डाउन कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी के इक्वेटोरियल एक्सिस में एक डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है चोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया सर बहुत लंबा डेरिवेशन एक्सपेक्ट किया था ये क्या हो गया ये तो आपने सस्ते में निपटा दिया हमें हाँ भाई इतना ही है कुछ नहीं खत्म एक्सेल वाला लंबा था इक्वेटोरियल वाला जीरो हो गया इजी अब मैं आपको एक थोड़ा एडिशनल ज्ञान देना चाहता हूं यानी कि आपका जो ये लाइन जो मैंने बनाया इस पूरे लाइन पे

उस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन में एक डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो गए तो ना ही सिर्फ इक्वेटोरियल एक्सिस में बल्कि इक्वेटोरियल प्लेन में भी आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ठीक बेटा तो यानी कि ये जो हमने यहां पर किया यहां पर आप देखोगे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक्स के बीच में एक ग्राफ बनाऊंगा तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर एक्स स्क्वायर से इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगी वैसे वैसे वी एक्सपोनेंशियली कम होते आएगा पैराबोलिकली आएगा लीनियर लेनी पैराबोलिकली एक्सक्वायर है ना इसलिए तो ऐसे कम होते आएगा लेकिन ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना ठीक है लेकिन वैसे ही ये क्यों है क्योंकि वी इज इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लेकिन वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है मुझे जीरो है तो इसका 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 कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पी को दूर ले जाऊं इस डाइपोल से दूर ले जाता रहा दूर ले जाता रहा इस पॉइंट पी से दूर ले जाऊं बहुत बहुत दूर ले जा रहा हूं मैं तो जैसे जैसे मैं दूर ले जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ पैराबोलिकली कम होते आ जाएगी मतलब अगर डिस्टेंस मैंने दुगना कर दिया तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार गुना कम हो जाएगा अगर मैंने डिस्टेंस को चार गुना कर दिया तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोलह गुना कम हो जाएगा अगर मैंने डिस्टेंस को आठ गुना कर दिया तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चौसठ गुना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह होता है। लेकिन यहाँ पर इसको फर्क है। 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 है? आगे बढ़ते हैं टू द दे लास्ट डेरिवेशन पोटेंशियल इक्वेटोरियल कोई, नहीं कोई भी पे ले ले ले। ठीक है चलो शुरू करें फिर यहां पर सबका ध्यान यहां पर होगा अट एनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में नीट के परस्पेक्टिव में फोड़ते हैं जो फोड़ेगा इस चलो तो यहां पर अगेन थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं माइनस क्यू है पॉइंट नंबर वन पर प्लस क्यू है पॉइंट नंबर टू पर ठीक है दोनों के बीच में मिड पॉइंट ओ पे बढ़िया डिस्टेंस इज एल एल परफेक्ट ठीक है हो गया अब किसी भी पॉइंट पर बना देंगे मान लो कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कहां पर है वो यहां पर है इस सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे यहां पर निकालना है पॉइंट पी यहां पर है. ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है आपका थोड़ा सा अच्छे से बना होता है ये जो डिस्टेंस है आपका इसको हम मान लेंगे भाई एक्स है ना ये एक्स डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस एक्स ले लो आर ले लो क्योंकि मैंने आर थीटा लिखा हुआ है डाइपोल में भी मैं हमने आर लिया था कुछ भी ले लो आप आपकी मर्जी है एक्स ले लो आर ले लो जैसे भी है फॉर्मुला तो सेम बिटवीन प्लस सेना की तरफ हमेशा से ये एंगल लेना ठीक है ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में टाइम पे भी बताया था जब डाइपोल के निकाल देते हम हमेशा प्लस क्यू की तरफ से एंगल लेना है टीटा ठीक है तो सर ये आर और टीटा से हम अट एनी पॉइंट निकाल देंगे हाँ भाई तीटा के एंगल है ना ठीक है मान लो डिस्टेंस आर यहां पर है ठीक है डिस्टेंस बदल रहा है थीटा भी बदल रहा है है ना देखो आर सेम रखे मैं थीटा ऐसे भी बदल सकता हूं ऐसे भी कर सकता हूं है ना तो मैं बस थीटा और आर की वजह से एट एनी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूं आर बदलना है टीटा बदलना है आर बदलना है टीटा बदलना है आर बदलना है टीटा बदलना है मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहीं पे भी निकाल सकता हूँ निकाल लेते हैं ठीक है तो ये पॉइंट निकालनी है दिक्कत यहां पर है कि यार माइनस क्यू और पी के बीच में अगर मैं ऐसे लाइन बना दूंगा तो डिस्टेंस क्या होगी वो कैसे निकालूंगा ये तो राइट एंगल नहीं है प्लस क्यू की और पी के बीच में निकाल दूंगा डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं इज नॉट अ राइट एंगल टेक्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं साइन टीटा वगैरह करके नहीं निकाल सकता मैं पैदा स्थिर में इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मुद्दा यहाँ पर ये यह है कि मुझे डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जैक्टली exactly सेम है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था हमने वहां पर क्या किया था अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है ना याद हो तो अभिषेक सर यहां पर जिंदा है डाइपोल किस तरफ है यार डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, है ना तो मैं इसी डायग्राम को यहां पर दोबारा बना रहा हूं ध्यान से देखो ठीक है आपका माइनस क्यू है तो आपका प्लस क्यू है और डाइपोल इज फ्रॉम माइनस क्यू टू तो प्लस क्यू है ना ये आपका डाइपोल है और यहां पर पॉइंट पी है डाइपोल से वो आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पर है। सही ये सेम बनाया मैंने ना कुछ और नहीं बनाया ये, ये वगैरह निकाल दिया मैंने जो हमारा नॉर्मल है उसको निकाल दिया अब सवाल में ये बोला जा रहा है से मैं क्या करूंगा ना इस डाइपोल को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा डाइपोल को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ठीक है इस डायपोल के वजह से ना इस डाइपोल के वजह से ही तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? है इस डाइपोल की वजह से है so, है सो जो P है, जो अलोंग अलोंग मतलब पी के जो डायरेक्शन में डायपोल है उसको मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा पी थीटा क्या लिखूंगा p cos theta along the dipole yani ki horizontal axis mein theta jis direction mein theta hoti hai us direction mein p cos cos theta ka term aata hai na jis direction mein theta hoti hai us direction mein cos theta ka term aata hai theek hai to along the dipole p cos theta to तो p hamara vector hai p hamara vector hai usko maine uske horizontal uh, horizontal component में और vertical component में को divide करना है इसको बस तो ये हो गया आपका P cos theta जो along the uh, क्या कहते हैं अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ पी ठीक है अब वैसे ही अब इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट निकालना है मेरे को ये रहा इस डाइपोल का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट और वो क्या होगा थीटा क्या होगा वो पी साइन थीटा तो यहां पर हमने क्या निकाला पी कॉस थीटा अलोंग आर पी साइन थीटा पेंडिकुलर टू आर निकाल दिया दिस इज दूवमेंट अलोंग आर दिसपोल मूवमेंट पर पेंडिकुलर टू आर ओके ठीक है तो अभी क्या निकालनी है हमेंट्रिक फील्ड निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अट पॉइंट पी ड्यू टू दिस पी कॉस थीटा एंड देन पी साइन थीटा

क्यू बाई आर यहां पर क्यू क्या है आपका डायपोल मोमेंट है बिकॉज ऑफ पी ठीक है डायपोल मोमेंट है लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अब आराम से समझ सकते हो कि ये पी थीटा एक डायपोल है ऐसे है ना पी थीटा यहां पर एक डाइपोल है और उस डाइपोल के एक्सिस पे पॉइंट पी है देख रहे हो पी थीटा के एक्सिस पे पॉइंट पी है तो ये तो एक्सिस होगी ना तो एक्सिस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप जानते हो अभी निकाला हमने क्या निकाला हमने भाई हमने निकाला के पी बाय एक्स स्क्वायर निकाला हमने अभी है कि नहीं जाओ पेज पलट करके देखो हमने निकाला हुआ है के पी बाय एक्स स्क्वायर बी एक्सियल के पी बाय एक्स स्क्वायर बी एक्सियल तो यहां पर मैं स्किप नहीं करता हूं स्टेप मैं यहां पे लिख देता हूं ये क्या है भाई ये तो बी एक्सियल है प्लस अब बी sin थीटा वाला देखो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ दिस साइन थीटा वाला डाइपोल आप देखोगे भाई उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे पॉइंट पी ये पर, ये डाइपोल है डाइपोल के इक्वेटोरियल पे है ना पॉइंट पी वहां पे तो जीरो होता है तो ये क्या हो गया ये हो जाएगा वी इक्वेटोरियल का अब डाल दीजिए आप फॉर्मूला सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सेल का हम जानते हैं पी बाई एक्स स्क् लेकिन यहां पर पी सिर्फ पी नहीं है पी थीटा है तो पी थीटा प्लस ये तो जीरो है सो योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थीटा इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई एक्सर परफेक्ट ग्रो कर दीजिए इसको नोट डाउन हो गया आपका डेरीवेशन खत्म आज के तीनों डेरीवेशन खत्म हो गए तो सर इस पॉइंट के क्या थ्रू में इक्वटोरियल एक्सेस वाला भी रिवाइव कर सकता हूं बिल्कुल कर सकते हो यहां पर ध्यान से देखो अगर आपका थीटा जीरो डिग्री है तीटा जीरो डिग्री मतलब क्या होता है भाई टीटा जीरो डिग्री मतलब होता है ये पॉइंट यहां पर आ गए है ना अगर ये टीटा जीरो डिग्री हो गया तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा मतलब जीरो डिग्री मतलब ऑन दी वाली एंगल हो गई तो टीटा इजल टू जीरो मतलब क्या होता है एक्सेल पॉइंट तो अगर मैं तीटा जीरो डालूंगा इस इक्वेशन में तो टीटा जीरो हो गई गया जीरो वन होता है तो के पी बैक स्क्वायर जो आपका एक्सेल वाला फॉर्मुला होता है के पी बैक् स्क्वायर बराबर और वैसे मैं 90 अगर मैं तीटा इज इक्वल टू नाइन डिग्री डालूंगा ठीक है अगर मैं तीटा नाइन्टी डिग्री डाल दिया नाइन डिग्री मतलब क्या हो गया ये जो है वो एक्जैक्टली नाइन्टी डिग्री हो गया वो आपका इक्वेटोरियल प्लेन वाला हो गया तो नाइन डिग्री डालूंगा तो कॉस्ट होती है तो ये पूरा जीरो तो ना मजा आ गया चलो तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के तीनों डाइपोल खत्म डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो गया ठीक है चलो अब हम थोड़ा सा एक और बार इसको यहाँ पर वेल्डन बोल देता हूँ आपको बढ़िया आपने सॉल्व कर दिया बहुत अच्छी बात है आपको याद दिला देता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स और हमसे थोड़ा बी वगैरह चलते रहते क्विजेस वगैरह डालते रहते पी वैक्स वगैरह डालते रहते हैं तो प्लीज मेक श्योर आप ज्वाइन करो टेलीग्राम पर हमारी कम्युनिटी बढ़ाते जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया अभी तक ऐसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नोट्स भी मिल जाएगा ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चलो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने हमने एलिटेड डापोल को रिवाइज किया फिर हमने हमारा डेरिवेशन किया डेरिवेशन में हमने सीख लिया हमारे आज के फॉर्मूलाज जो हैं

s 0 ठीक है एट एनी पॉइंट का अपन क्या निकाला v at r ,theta दैट इज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सेम फार्मूला बट cos थीटा आ जाएगा kp cos थीटा अपॉन r r स्क्वायर है ना खत्म बस ये तीन फार्मूलास थे आज आपके दैट इज इट मैंने इन इस फार्मूलास के बेसिस में ना ही आपके एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चंस देखे ना ही एग्जैक्टली डायरेक्ट फार्मूला के बेसिस में आपके नीट के पीवाईक्यूस में कोई क्वेश्चन देखे हैं